एक ऐसी कंट्री जिसका नाम शायद ही आपने सुना, लेकिन आने वाले टाइम में वो शायद रशियन यूक्रेनियन वॉर की डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दे। ट्रांसनिस्त्रिया, एक प्रो रशियन कंट्री जिसे ग्लोबली कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती, नॉट इवन रशिया। लेकिन रशिया के 1500 पीस कीपिंग सोल्जर्स वहां पर स्टेशन है। पिछले कुछ वीक्स में ट्रांसनिस्त्रिया में 3 डिफरेंट लोकेशन पे ब्लास्ट हुए हैं। रशिया और यूक्रेन इन ब्लास्ट के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रशिया इन ब्लास्ट के लिए यूक्रेन को ब्लेम करके एक और वॉर फ्रंट ओपन कर सकता है। ट्रांसनिस्त्रिया अपनी बॉर्डर यूक्रेन के साथ शेयर करता है और यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा वहां से काफी क्लोज है, और अगर रशिया इस वॉर फ्रंट से ओडेसा को कैप्चर कर पाता है तो यूक्रेन की ब्लैक सी से कनेक्टिविटी कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगी और रशिया के पास ट्रांसनिस्त्रिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का लैंड रूट ओपन हो जाएगा। इतना ही नहीं, रशिया ट्रांसनिस्त्रिया को यूज करके मॉल्डोवा की तरफ अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली न्यूट्रल लेकिन प्रो वेस्ट कंट्री है।